दोस्तों मेरा नाम है सुमित चिमा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृषि मीडिया एंड टैक। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू होलैंड 3602 ऑलराउंडर सीरीज का ही ट्रैक्टर है जो कि 12+3 UG गियरबॉक्स के साथ में है, 50 HP की श्रेणी का पूरा ट्रैक्टर है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से इसका रिव्यू करेंगे, साथ में आपका डीलर साहब से भी परिचय करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आप जो है किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए, अपनी शॉप का भी एड्रेस बताइए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है और ये हमारा जो एड्रेस है गढ़ मेरठ रोड नानपुर में है। तो बाकी एड्रेस हमारा आपके सामने है, कंपनी का नाम और ये हमारा सब कुछ है। तो योगेंद्र जी, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं 3602 की, तो फ्रंट से इसकी शुरुआत करेंगे। फ्रंट से आप इसके फ़ीचर बताते चलिए, क्या कुछ इसके अंदर फ़ीचर हैं, कितने HP का इसके अंदर इंजन दिया गया है, कितने CC का इंजन दिया गया है। जी, ये हमारा 50+ कैटेगरी में ट्रैक्टर है, 3602 ऑलराउंडर के नाम से। जी। इसमें कम खर्चे वाला इटली का इवेको कंपनी का इंजन है। अच्छा। जो कि डीजल सबसे कम लेता है। जी। और हमारा ट्रैक्टर पूरे 1800 RPM पे 540 निकालता है, यानी कि 1800 RPM पे अपनी पूरी मैक्सिमम पावर ये जनरेट कर लेता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बात करें इसके आगे फ्रंट की, तो हमारी कंपनी का CNH के मार्के का वेट है जिसमें हमारा दोनों काम करता है। किसी भी कंपनी में आगे इस तरह का वेट मिलेगा तो आप एक मतलब आगे पिन डालने वाला होल नहीं मिलेगा। जी, जी, इस टाइप का जी। इसमें आप अपनी सेफ्टी बम्पर भी लगवा सकते हैं इसी के बीच में। और बात करें इसके हेडलाइट की लुक की, तो जो इसकी इंटरनेशनल लुक है अदर कंपनी के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। उसी को न्यू होलैंड कंटिन्यू कर रही है। जी जी, इसी को करती आ रही है कंपनी ने। इस बार इसमें 750/16 के टायर दिए हैं, पिछले 14 के दिए हैं, जो कि ट्रैक्टर की लुक में और चार चांद लगाते हैं। और बात करें इसकी सीट की, जो कि हमारी कंपनी डीलक्स सीट देती है, अदर कंपनी के हमारी मुकाबले हमारी कंपनी की सीट काफ़ी आरामदायक है। और किसान भैया, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ट्रैक्टर के इस साइड पहले आपको जो है इसका पंप वगैरह सारी चीज़ें इधर देखने को मिलती थी, तो इधर अब केवल साइलेंसर आपको देखने को मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी सिस्टम जो पूरा इसका पंप वगैरह है वो उधर उसी तरफ आपको देखने को मिलेंगे। उधर से दिखाइए, ये आप देखते हैं पूरा इसके अंदर जो है 3 सिलेंडर का इंजन लगा हुआ है जो कि इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है। पहले रोटरी पंप बीच में कंपनी ने कर दिया था, लेकिन उसको चेंज करके अब इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में कर दिया गया है, जो कि पूरा 50 HP की कैटेगरी का इंजन है। साथ में जो इसका इंजन है वो इवेको वोल्वो का इंजन है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी अच्छा है, और जो इसका माइलेज है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। पंप की बात करेंगे तो डुअल पंप मिलेंगे, एक इसके अंदर जो है पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है और एक इसके अंदर हाइड्रोलिक्स के लिए दिया गया है। अगर बात कर लें इसके स्टीयरिंग की, तो इसके अंदर आपको सिंगल एक्टिंग पूरा पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी इजीली ओपन हो जाता है। अब आपको इसका इंजन दिखाते हैं, ये देखिए आप, बिल्कुल ही न्यू लुक के साथ में और काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज के साथ में जो है इसका इंजन डिज़ाइन किया गया है। साथ में अगर आप आगे की तरफ देखते हैं तो इसके अंदर आपको जो रेडिएटर है इसका वो एल्युमिनियम का ही देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ माना जाता है। और ये अगर इसके अंदर आप देखते हैं तो इसके अंदर जो है कूलेंट के लिए अलग से कंटेनर लगाया गया है, जो कि पूरा ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ में लगाया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो पावर स्टीयरिंग है उसके लिए पूरा सेपरेट ये कंटेनर दिया गया है, जिससे कि क्या होता है जो पावर स्टीयरिंग की सील वगैरह है वो नहीं कटती हैं और लॉन्ग लाइफ तक वो जो इसकी सील है वो बनी रहती हैं। साथ में अगर आप देखते हैं तो इसका बोनेट जो है वो एक तरफ से ओपन होता है, सिंगल पीस बोनेट इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। आगे अगर आप देखते हैं तो TX की ब्रांडिंग मिलेगी, और नीचे अगर आप देखते हैं तो 50 HP की कैटेगरी का जो लोगो है वो भी इसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कम्प्लीटली इसका जो फ्रंट में आगे की तरफ आप देखते हैं तो ये बंद कर दिया गया है, जाली यहाँ पर दे दी गई है, जिससे कि इसका लुक भी थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। और साथ में अगर जो इसके बेल्ट वगैरह के अंदर पुली के अंदर कंकड़ पत्थर वगैरह ना जा सकें, उसकी भी सेफ्टी के लिए ये दिया जाता है। साथ में इसकी जो बैटरी है वो आप दिखाने की कोशिश करेंगे, आगे ही दी गई है, जो कि एक तरीके से सेफ भी रहती है, चोरी वगैरह होने की खतरा जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, और वेट का भी ये काम करती है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर जो पावर स्टीयरिंग है उसकी सील वगैरह ना कटें, जैसे कि ऑयल उसका गर्म हो जाता है पावर स्टीयरिंग का, तो उसके लिए आगे आप दिखाएंगे इसके अंदर इंटरकूलर लगाया गया है, जिससे कि जो पावर स्टीयरिंग का ऑयल है वो ठंडा होकर तब पावर स्टीयरिंग के अंदर जाए, जिससे कि उसकी सील वगैरह लॉन्ग लाइफ वो बनी रहे। सो अगर आप दिखाएंगे तो बोस का ही इसके अंदर जो है इनलाइन फ्यूल पंप लगाया गया है, पहले पंप ये नहीं आता था, कंपनी पहले जो है इसके अंदर रोटरी पंप देने लगी थी, लेकिन उसको चेंज करके मेंटेनेंस की वजह से फिर से जो है इसके अंदर इनलाइन फ्यूल पंप कर दिया गया है। इसके अंदर गेयरबॉक्स की बात कर लेते हैं तो पूरा साइड शिफ्ट इसके अंदर आपको गेयरबॉक्स देखने को मिलता है, जो कि कंपनी ने इसके अंदर हाइलो मीडियम के साथ में ये कर दिया है। पहले जो है केवल हाइलो के साथ में आता था, तो उसको जो है कंपनी ने चेंज करके हाइलो मीडियम कर दिया है, जिधर आपको यहाँ पर हाइलो मीडियम का लीवर मिलेगा। और इधर आप दिखाएंगे तो मेन गियर लीवर के ऊपर 4 गियर 4
फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि इसके अंदर जो स्पीड है आपको 12 फॉरवर्ड जाने के लिए और 3 रिवर्स जाने के लिए गियर देखने को मिल जाते हैं। बात अगर इसके जो है प्लेटफॉर्म की कर लेते हैं तो काफ़ी बड़ा बीच में बम्प देखने को मिल जाता है और ये इसका क्लच पैडल दिया गया है जो कि काफ़ी स्मूथली जो है ऑपरेट हो जाता है। बात इसके क्लच की कर लेते हैं तो पूरा डबल क्लच के साथ में ये ट्रैक्टर है, जहाँ पर कि आपको इंडिपेंडेंट पीटीओ के लिए क्लच अलग से देखने को ये मिल जाता है, जिससे कि आप जो है काफ़ी इजीली अपनी पीटीओ को ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कि मेन क्लच की और पीटीओ क्लच की लॉन्ग लाइफ जो है वो बनी रहती है। डैशबोर्ड आप दिखाएंगे, इसके अंदर जो डैशबोर्ड दिया गया है वो एनालॉग आरपीएम मीटर दिया गया है, साथ में इसके अंदर एनालॉग टेम्परेचर मीटर और फ्यूल मीटर दिए गए हैं और इसके अंदर डिजिटल आपको आवर मीटर देखने को मिल जाता है। बात सीट की भी कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शानदार डिलक्स सीट इसके अंदर दी गई है, जो कि पूरी एडजस्टेबल सीट इसके अंदर दी गई है और यहाँ पर आप देखते हैं तो इसके लिफ्ट कंट्रोल मिल जाते हैं, जहाँ पर कि एक इसके अंदर पीसी लीवर दिया गया है और एक इसके अंदर डीसी लीवर दिया गया है, जो कि इसकी लिफ्ट है वो लिफ्टोमैटिक के साथ में दी गई है। जैसे कि आप जानते होंगे, काफ़ी बार मैंने बताया भी है, लिफ्टोमैटिक का फ़ायदा यही होता है कि समान गहराई पर आप लिफ्ट को अपनी उठा सकते हैं और गिरा सकते हैं, और ये यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को पीछे कंट्रोल करने के लिए लीवर यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफ़ी इजीली आप जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल कर पाएंगे। बात अगर इसके स्टेयरिंग के साइज़ की कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज़ का यहाँ पर स्टेयरिंग दिया गया है और स्टेयरिंग के बीच में आपको न्यूलैंड का लोगो और न्यूलैंड की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसका स्टेयरिंग, जैसे कि पावर स्टेयरिंग के साथ में ये ट्रैक्टर है। और राइट साइड में आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको इसकी हैंड वाली रेस देखने को मिल जाती है, जिससे कि काफ़ी इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं। टायर साइज़ की बात कर लेते हैं तो जैसे कि डीलर साहब ने आपको बताया, इसके अंदर फ्रंट टायर 750/16 के कर दिए गए हैं, जो कि C8 के टायर हैं और रिम का जो यहाँ पर कलर है वो वाइट कलर ही रखा गया है, जो कि ट्रैक्टर के लुक को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। बात अगर बैक टायर की कर लेते हैं तो 1428 के बैक टायर देखने को मिलेंगे और ये बैक टायर भी इसके अंदर C8 के ही दिए गए हैं और रिम का जो अगेन कलर है यहाँ पर वो वाइट कलर ही रखा गया है। दोस्तों बात अगर कर लेते हैं इसके जो है पिछले हिस्से की, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है लिफ्ट दिखाऊंगा। इसके अंदर लिफ्ट जो है वो बिल्कुल न्यू लुक के साथ में इसकी लिफ्ट डिज़ाइन की गई है और यहाँ पर 3 पॉइंट पूरे सेंसिंग के लिए दिए गए हैं। और बात अगर इसके बैक एक्सल की कर लेते हैं तो हब रिडक्शन के साथ में है, जैसा कि बहुत से किसान भाइयों को मानना भी होता है कि हब रिडक्शन जो ट्रैक्टर है वो खिंचाई जो है ज़्यादा करता है सीधे एक्सल के मुकाबले, जबकि जो किसान अगर इसे नहीं खरीदना चाहते तो इसका जो सुपर प्लस मॉडल है उसके अंदर स्ट्रेट एक्सल आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर कि आपको हब रिडक्शन इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बात अगर दोस्तों इसकी पीटीओ की भी कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको पूरी डुअल पीटीओ दी गई है, जहाँ पर कि अगर पीटीओ एचपी की बात कर लें तो इसके अंदर आपको 46 HP की पीटीओ पावर देखने को मिल जाती है, जो कि एक 50 HP की कैटेगरी के ट्रैक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा पीटीओ पावर मानी जाती है। बात अगर कर लेते हैं इसके जो है हिच की, तो एडजस्टेबल आपको पूरा इसके अंदर हिच देखने को मिल जाएगा, जो कि साइज है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी बनाया गया है, जिससे कि काफ़ी ईजिली आप अपने हिच को एडजस्ट कर सकते हैं। बात अगर इसकी जो है लिफ्ट की भी कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर चैन सिस्टम ही दिया गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी इनका साइज़ किया गया है और यहाँ पर इसके अंदर जैक सिस्टम ये लगाया गया है, जिससे कि आप अपने इसके जो हाइड्रोलिक है वो इधर उधर ना हिल सके, उसके लिए इसे कम या ज़्यादा टाइट कर सकते हैं। बात अगर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की कर लेते हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। 2000 किलोग्राम की है जी। तो 2000 किलोग्राम की इसके अंदर जो है लिफ्ट कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है और लिंकेज का जो यहाँ पर साइज़ है दिखाएंगे आप, काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी बनाया गया है और यहाँ से भी आप दिखाएंगे तो काफ़ी बड़ी साइज़ की लिंकेज इसके अंदर बनाई गई हैं, जो कि लॉन्ग लाइफ हैं, कोई भी दिक्कत या टूट फूट इनके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों एक खास फीचर हो रहा हम आपको इसके अंदर दिखा देते हैं, इसका जो क्लच है इस टाइम लॉक हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है अगर आप लॉन्ग लाइफ अपने ट्रैक्टर को खड़ा रखते हैं, जैसे कि आप लंबे समय तक ट्रैक्टर को नहीं चलाते हैं तो क्लच प्लेट जो है वो चिपक जाती है, तो उसके लिए कंपनी ने उसको ध्यान में रखते हुए इसके अंदर लॉक दे दिया है, जिससे कि आपकी जो क्लच प्लेट है वो चिपकेगी नहीं और काफ़ी लंबे समय तक भी अगर आप ट्रैक्टर को खड़ा करेंगे तो उसके अंदर कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसके जो है लुक की बात कर लें, अगेन लुक की बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक के साथ में ये ट्रैक्टर डिज़ाइन किया गया है, जो कि न्यूलैंड की टैगलाइन भी है ये और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है न्यूलैंड का, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लुक है जो कि कंपनी इसको लगातार मेंटेन कर रही है, जहाँ पर कि आपको न्यूलैंड की बैजिंग आगे की तरफ 3602 की बैजिंग और आगे TX की बैजिंग जो है देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ आप अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऑलराउंडर प्लस की बैजिंग मिल जाती है और डीजल टैंक के ऊपर यहाँ पर जो है इसके अंदर 12+3 UG गियरबॉक्स का जो है लोगो भी लगाया गया है। और यहाँ पर इसके अगर डीजल टैंक की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो डीजल टैंक है वो फाइबर का दिया गया है, जो कि लॉन्ग लाइफ होता है, इसके अंदर जो लोहे का होता है उसकी तुलना में ये गलने वगैरह की शिकायत जो होती है वो नहीं आती और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ तक ये टिकता है। बात अगर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की कर लेते हैं तो 58 लीटर का 58 लीटर का इसके अंदर डीजल टैंक आपको देखने को मिल जाता है, जो कि की लॉक के साथ में ये दिया गया है, जिससे कि आप अपने डीजल टैंक को काफ़ी ईजीली लॉक कर सकते हैं। अब ट्रैक्टर को आपको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनवाते हैं कि आवाज़ जो है कैसी देखने को मिलती है।
तो आप लोगों ने आवाज़ भी इसकी सुनी, काफ़ी ज़्यादा शानदार और शार्प आवाज़ इसकी जो है देखने को मिल रही है। तो अब योगेंद्र जी, जैसा कि किसान भाइयों को हमने इसके फ़ीचर भी बताए, एक एक चीज़ लुक भी इसका दिखाया, अब बात अगर इसकी कीमत की कर लें तो कीमत के बारे में भी आप थोड़ा बताइए। कीमत इस ट्रैक्टर की अदर कंपनी के मुकाबले टॉप मॉडल वेरिएंट है आपके सामने 3600-2 हाई लो मीडियम 12+3 जो बताया आपने, इसकी कीमत 7 लाख रुपये है ऑन रोड, जो कि अपनी कैटेगरी में सबसे कम कीमत है अदर कंपनी के मुकाबले, क्योंकि अदर कंपनी 50 HP में 12+3 गियर बॉक्स नहीं देती, लेकिन हमारी कंपनी ये मीडियम जो है कंपनी ने दिया है। जी जी, हाई लो मीडियम कंपनी देती है हमारी, जो कि हर काम में सक्षम है, जिससे आपको छोटे से छोटे बड़े से बड़ा इम्प्लीमेंट चलाने में आराम से कोई दिक्कत ना हो। जी जी। तो दोस्तों, जैसे कि योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने आपको इस ट्रैक्टर की प्राइस भी बताई, साथ में इस ट्रैक्टर के फीचर भी आपको बताए, किन फीचर के साथ में ये है और किन बदलावों के साथ में है। अब अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो से जुड़ा अब भी अगर आपके मन में कोई सुझाव या सवाल है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली ऐसी किसी शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।